हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयंता क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर पर ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिए हैं और इससे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम चैप्टर को भी कम्प्लीट कर लिया है। तो आपने अगर अभी इन सभी चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे फाइलम टेटीहेलमिंथीस। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। दीज आर मोस्ट इंडो पैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रली, मतलब पीठ केबल और पेट केबल दोनों क्या होती है, चपटी होती है। फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ पीठ केबल भी क्या है, चपटे हैं और पेट केबल भी चपटे हैं। डॉर्सो मतलब क्या होता है, बैक, पीठ, और वेंट्रली मतलब आपके पेट केबल जो सीने वाला, चेस्ट वाला है। तो अगर हम खुद के बॉडी की बात करें, ये क्या है, वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ऐसे सामने क्या है, वेंट्रल है, और पीछे क्या है, डॉर्सल है। तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब शरीर के अंदर रहने वाले पैरासाइट होते हैं। इंडो मीन्स अंदर, इक्जो मतलब बाहर, तो ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी से केवल एक ही प्लेन में, वर्टिकली एक ही प्लेन, कहीं एक ही प्लेन होगा जहाँ से दो इक्वल हाफ्स, दो बराबर भागों में कटेंगे, बाकी और कहीं से नहीं कटेंगे। तो ये देखिए, फिगर को देख के हम बोल सकते हैं कि बायोलेटरली सिमेट्रिकल किस तरीके से होते हैं। देखिए, ऐसे यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरीके से आप ड्रा करोगे, ये क्या हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब यहाँ पे तीन जर्मिनल लेयर होती है, आउटर इक्टोडर्म होती है, मिडल मीजोडर्म होती है और इनर इंडोडर्म होती है। ए सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होता, मीजोडर्म के अंदर गुहा नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि जब मीजोडर्म के अंदर एक कैविटी बनती है तो उन्हें हम सिलोमेट कहते हैं, लेकिन इनके अंदर, मीजोडर्म के अंदर कोई कैविटी नहीं बनती है, इसलिए क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके शरीर में अंगों का निर्माण शुरू हो चुका है, इनके शरीर में आपको अंग देखने को मिलेंगे, ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, एग्जाम्पल्स टीनिया, टेपवर्म, फेसियोला, लियरप्रूक। इनके बॉडी में, इनके जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, जो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, उनके बॉडी में हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स और सकर्स का क्या में होता है, हुक्स क्या करते हैं कि इन्हें किसी की बॉडी में चिपक के रखने में मदद करते हैं, मतलब पकड़ के, ताकि ये छूटे ना, जहाँ भी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनके बॉडी वॉल में क्या करेंगे, अंदर की तरफ चिपकेंगे, तभी तो वहाँ से उसकी ब्लड या फूड को सक करेंगे। तो पकड़ के रखने के लिए हुक्स होता है और फूड को सक करने के लिए, चूसने के लिए क्या होता है, इनमें सकर्स होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को कभी क्या होता है, डायरेक्टली होस्ट के बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही आपने छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, ठीक है, से लीवर फ्लो का और टेपवर्म को आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉडी सर्फेस में चिपकते हैं, वहीं से फूड को या ब्लड को, जो भी इन्हें लेना होता है, उसे सक कर लेते हैं। इनके शरीर में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए और वाटर को मेंटेन रखने के लिए, वाटर बैलेंस को ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए क्या पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिका पाई जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं। सेक्सेस अलग अलग नहीं होती है, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, निश्चयन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वे बॉडी इनके फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं फ्यूज कर जाते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है, मेनी लार्वल स्टेज से गुजरता है। कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि इनमें प्लेनेरिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब ये कि अगर आप एक प्लेनेरिया को हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, मान लो ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है प्लेनेरिया, अगर आप इसको बीच से दो टुकड़ों में काट दें, ठीक है, या किसी एक्सीडेंट में इसके दो टुकड़े हो जाएं, तो अब इसका जो अलग अलग टुकड़ा है, ठीक है, क्या करेगा बाकी पार्ट को अपने आप बढ़ा लेगा, बाकी पार्ट इसमें अपने आप आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, मतलब जो पार्ट नहीं होगा, जो पार्ट कट गया होगा उसे फिर से ग्रो करा सकते हैं, और इसे बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। सोचिए अब इतना ही कट के निकल गया था, ठीक है, या किसी ने काट दिया, तो इसने अपने बाकी पार्ट को अपने से डेवलप करा लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। और प्लेनेरिया के अंदर बहुत तक अच्छी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जांपल होता है टीनिया टेपवर्म और फैसियोला फैसियोला लीवर फ्लूक। अगला आता है फाइलम एस्केल्मिन्थीस। द बॉडी ऑफ द एस्केल्मिन्थीस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, एंटरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एस्केल्मिन्थीस की जो बॉडी होती है क्रॉस सेक्शन में गोलाकार होती है, ठीक है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है राउंड वर्म। ये फ्री लिविंग स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक जलीय हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय हो सकते हैं, मतलब जल में रहने वाले भी हो सकते हैं, सतह पर रहने वाले भी हो सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जा सकते हैं। राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी तक आपने ऑर्गन लेवल देखा था, अब यहाँ क्या देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंगों का तंत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा अंगों का तंत्र होगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब एक ही प्लेन से इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बाकी हर जगह से आप इसको काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्मिनल लेयर होती है, आउटर इक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, इनर इंडोडर्म और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, मतलब जब मीजोडर्म के अंदर कोई क्लियर साफ सुथरी कैविटी ना बने, बल्कि वहाँ पे मीजोडर्म के क्या हों पाउचेज हों और कुछ खाली स्पेस पड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। इनका एलिमेंट्री कनाल इज कम्प्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट डायोसियस, इट मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट। द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड वर्म, वाउचेरिया फाइलेरियर वर्म, इंसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। तो जो एलिमेंट्री कनाल होती है इनकी वह कंप्लीट होती है, यहाँ पे इनर्स और माउथ दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से बाहर निकालती है एक्सक्रीटरी पोर से। इनके जो सेक्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं, मतलब मेल सेक्स अलग होता है और फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं डायोसियस भी कहते हैं। जब देखिए मेल अलग हो फीमेल अलग हो तो उन्हें डायोसियस कहेंगे, जब एक ही में मेल और फीमेल दोनों हों तो उसे क्या कहेंगे मोनोसियस कहेंगे या हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। मेल जो होती हैं वे फीमेल से थोड़ी लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यंग वन जो भी छोटे बच्चे पैदा होते हैं वे एकदम यंग वन से रिजेंबल करते हैं, एकदम उनके जैसे ही होते हैं। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है एस्केरिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं, वाउचेरिया जिसको फाइलेरियम वर्म बोलते हैं, और फाइलेरियम वर्म वाउचेरिया की वजह से क्या हो जाता है एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज होती है। जो हाथ या पैर होते हैं वे बहुत ज़्यादा हाथी की तरह इतने मोटे हो जाते हैं पुल के जिसे हाथी का होता है, तो उसे एलिफेंटियासिस डिजीज़ कहा जाता है।
वाउचेरिया ब्रोंकोप्टी के नाम से जो वर्म्स होते हैं उनकी वजह से होता है, उन्हें फाइलेरियल वर्म कहते हैं। फिर आता है इंसेक्टोस्टोमा जिसको हुकवर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर फाइलम इनिलिडा। तो अगला फाइलम है फाइलम इनिलिडा। दे में भी एक्वेटिक मरीन आर फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इन टू सेगमेंट्स और मेटामियर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। लैटिन में एनिलस का मतलब होता है लिटल रिंग। दे पोजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। फाइलम एनिलिडा जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में समुद्री भी हो सकते हैं, मेराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, साफ स्वच्छ जल में पाए जाने वाले हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, सतह पर पाए जाने वाले भी होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र अकेले रहने वाले। कभी कभी पैरासिटिक देखने को आपको मिल जाएंगे किसी भी एनिमल्स या के अंदर, क्या उनके पैरासाइट के रूप में रहेंगे या उनके बॉडी सरफेस पर रहेंगे। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पर ऑर्गन्स का निर्माण शुरू हो चुका था, ऑर्गन अब बनने लगे थे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ऑर्गन का पूरा तंत्र बनने लगा था, पीछे भी आपने देखा उसमें भी ऑर्गन का एक पूरा तंत्र बन रहा था। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब केवल वन ही लाइन होती है जो इनको काट सकती है। जैसे देखिए फिगर से, मैं आपको बताता हूँ फिगर में ड्रा करके, मतलब देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देंगे, ये दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें ट्रिपल ब्लास्टिक भी होती है। तीन जर्मिनल लेयर होती है, आउटर इक्टोडर्म, मिडल मेजोडर्म और इनर इंडोडर्म होती है। मेटामेरिकली सिगमेंटेशन, पीछे हमने इसको फाइलम को शुरू करने से पहले कुछ करेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, सेगमेंटेशन पढ़ा था। जब बॉडी क्या होती है, अंदर से, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से भी क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। जैसे कि देखिए आपको फिगर में दिख रहा है लाइन लाइन, ये क्या है, इनका सेगमेंटेशन है। इन छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। ये सिलोमेट होते हैं, मतलब आउटर इक्टोडर्म मिडल मेजोडर्म में क्या होती है, बीच वाले में भी एक कैविटी का निर्माण होता है, एक कैविटी बनती है और उन प्राणियों को हमको क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। तो ये सिलोमेट होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी होते हैं और आपको जो मेटामियर्स हमें बॉडी सरफेस पे भी देखने को मिल जाएंगे। इनका नाम जो एनिलिडा है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि एनिलस शब्द को लैटिन में लिटल रिंग बोलते हैं, तो इनकी बॉडी पे रिंग जैसी संरचनाएँ देखने को मिलती है, इसलिए क्या नाम देते हैं, एनिलिडा देते हैं। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है जिसकी मदद से मूव करती हैं, लोकोमोशन करते हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरियस पोजेज लेटरल अपेंडिजेज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रिडिया सिंगल नेफ्रिडियम हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरिस एनिक्योटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेज आर मोनोसियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एग्जाम्पल नीरिस पेरेटिमा अर्थवॉर्म एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। तो जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं, जो जल में रहने वाले एक एनिलिड होते हैं, जैसे कि नीरिस है, ठीक है, इनमें लेटरल अपेंडिजेस पाए जाते हैं, मतलब शरीर के साइड में निकले हुए क्या होते हैं, अपेंडिजेस, मतलब हम बोल सकते हैं कि लिम्ब्स, जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए फुट हैं, वैसे उनमें भी क्या होते हैं, अपेंडिजेज होते हैं, फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं और उसकी मदद से वे तैरते हैं। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब कि एक आर्टरीज और वेंस का पूरा नेटवर्क होता है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स में जाके ऑर्गन्स को डुबोता नहीं है, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या था कि जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो सीधे सारे ऑर्गन्स को डुबो देता है और उसमें से वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, अपना फूड ले लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। ब्लड क्लोज में क्या होता है कि जो ब्लड है वह वेंस आर्टरीज के एक नेटवर्क से गुजरती है, ठीक है, और इफिशियंसी ज़्यादा देती है। तो इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है।
निफ्रिडिया होती है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, मतलब इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, निफ्रिडिया है, सिंगुलर निफ्रिडियम कहते हैं। इनमें न्यूरल सिस्टम भी पाया जाता है जिसमें पेयर्ड गैंग्लियन, एक जोड़ी गैंग्लिया हो सकती है और जो कि लेटरल नर्व से जुड़ती हैं, जुड़ी रहती हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में जाके जुड़ जाती हैं। नीरिस एक एक्यूटिक फॉर्म है, जली फॉर्म है, ये क्या होता है, डायोसियस होता है, ठीक है। नीरिस क्या होता है, डायोसियस होता है, मतलब नीरिस में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, जबकि अर्थवर्म और लीच क्या है, मोनोसियस है, मतलब अर्थवर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, वैसे ही लीच में भी अकेले प्राणी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, एग्जांपल क्या है, नीरिस फेरेटिमा अर्थवर्म को कहते हैं और हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच को कहते हैं, लीच आपने देखा होगा। अब आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट और 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एनिमल किंगडम में आपको कितना डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, कितना अमेजिंग चैप्टर है, कि और साथ में आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, कि पहले सबसे पहले आपने देखा था पोरीफेरा में कि वहाँ पे सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, फिर आगे बढ़े तो टिश्यू लेवल आया, उससे आगे बढ़ने पर हमको ऑर्गन लेवल देखने को मिला, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिला और फिर आगे पूरा ऑर्गेनिज्म ही आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा था ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। एक दिन में ह्यूमन बींग नहीं बने हैं, इनको लाखों साल लग गए हैं बनने में और आखिरी में हम ही का निर्माण हुआ है, ह्यूमन बींग्स का निर्माण हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा मेच्योर इंटेलिजेंट क्रिएचर थे इस अर्थ के, अभी भी हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, यह सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, यह सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया का। और इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों का फाइलम सबसे बड़ा है इस अर्थ पे। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, इस अर्थ पे अब तक जितनी स्पीसीज को नाम दिया गया है, जितनी स्पीसीज को नाम दिया गया है एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमलिया के अंदर, उसमें से 2/3 क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। सोच सकते हैं कितने कीड़े मकोड़े हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम का लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बॉडी पे एक ही लाइन, इनको एक ही लाइन ऐसी ड्रा करेंगे जिनसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, बाकी नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सेगमेंटेड होते हैं, यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब बॉडी आउटर और इंटरनल क्या होती है, सेगमेंटेशन में डिवाइड होती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑर्गन भी उन सेगमेंट्स में अरेंज होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब तीन जर्मिनल लेयर होती हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीटोडर्म और इनर इंडोडर्म। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं भी, मतलब इनके मीजोडर्म में एक कैविटी का निर्माण होता है। आर्थ्रोपोड जो होते हैं, इनका बॉडी काइटिन के बने एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। आपने कॉकरोचेस देखे हैं ना, स्कॉर्पियन देखे हैं ना, उनके बॉडी में देखिए किस तरीके से हार्ड एक स्केलेटन होता है, वही क्या होता है, उनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके शरीर में तीन पार्ट होता है, सबसे पहला होता है सर, ठीक है, थोरैक्स टेल वाला रीजन, और एब्डोमेन पेट वाला रीजन, ठीक है, पेड़ वाला रीजन। इनमें ज्वाइंट अपेंडिजेज पाए जाते हैं, आर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेज, मतलब इनके नाम से ही पता चलता है कि इनमें क्या होता है, इनका नाम ही रखा गया है आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में ज्वाइंट अपेंडिजेज पाए जाते हैं, मतलब जो उनके हाथ और पैर होते हैं दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो आप नाम से ही याद कर सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा के क्या का एक खास लक्षण क्या है, कि उनमें ज्वाइंट अपेंडिजेज पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स बुक लंग्स आर ट्रेकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं इनमें, ठीक है, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ठीक है, और ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है, एक पाइप जैसा नेटवर्क हो सकता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है। देखिए आपने पीछे देख रहा था कि आपको वहीं पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल गया था, लेकिन इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब हार्ट क्या करेगा, ब्लड को रिलीज करेगा और सारे ऑर्गन्स उस ब्लड में डूब जाएंगे, तो इफिशियंसी को, इनकी इफिशियंसी को यहीं पे घटाता है। एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज इनका है। और आगे बढ़ते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल स्टेटोकाइस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिगियन टिब्यूल्स। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीना होता है चीज़ों को महसूस करने के लिए, आँख होती है, दो प्रकार की हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी, साधारण भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। इनमें स्टेटोकाइस्ट पाए जाते हैं, या कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है इनमें मालफिगियन टिब्यूल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मालफिगियन टिब्यूल्स है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, दे आर मोस्टली डायोसियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में आते हैं एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स में आते हैं एनाफिलीज, कुलिक्स एंड डिडीज, सभी के सभी मॉस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट में आते हैं लोकस्टा, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल में आता है लिमुनस, किंग क्रैब। ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल होता है, मतलब मेल सेक्स अलग होगा फीमेल सेक्स अलग होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अक्सर फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, इंटरनल होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओवोविपेरस होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, एग का निर्माण होगा और अंडों को सहेंगे नहीं, वह अंडा कहाँ पे कर अंदर ही क्या होगा, फट जाएगा, मतलब अंडे से बच्चे इनके बॉडी के अंदर ही निकलेंगे, फिर वे बच्चे बाहर आएंगे। जैसे कि बिच्छू में क्या होता है कि बिच्छू में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अंडे बॉडी में बनेंगे, अंडे से बच्चे भी बॉडी के अंदर निकलेंगे, अंत में बच्चे बिच्छू के शरीर को कट करके फाड़ करके बाहर निकलते हैं। मतलब जब एक बिच्छू अपनी लाइफ में बच्चे देता है तो उसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का देखने को मिलता है, कि सीधे अंडे से बच्चे निकलने से बिच्छू के अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, कि उनके अंडे से सीधे उसके जैसे बिच्छू जैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और जैसे कि बटरफ्लाई है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लार्वा और प्यूपा स्टेज आता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है एपिस हनी भी, मधुमक्खियाँ जो कि हनी देती हैं, बॉम्बिक सिल्कवर्म सिल्क देता है, लेसिफर जो लैक इंसेक्ट होता है उससे लाख मिलता है। वेक्टर्स होते हैं एनाफिलीज, कुलिक्स, डिज, सभी के सभी मच्छर हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ग्रिगेरियस खतरनाक पेस्ट में आता है लोकस्टा, लोकस्ट वही टिड्डा, जो कि जब उनकी पूरी फौज चलती है तो पूरा का पूरा किसानों का खेत साफ हो जाता है, सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। और लिविंग फॉसिल है किंग क्रैब, ल्यूमिनस। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या है, लोकस्ट है, बी है बटरफ्लाई, सी स्कॉर्पियन और डी प्रॉन। अब आता है फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल आर एक्वेटिक मेरीन आर फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, बॉडी इज कवर्ड बाई अ कैलसेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। यह सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद जो जिसके सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म स्पीसीज इस अर्थ पे हैं तो क्या है, मोलस्का है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सतह पर रहने वाले होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में समुद्री भी होंगे और फ्रेश वाटर की भी होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्मिनल लेयर होती है, आउटर एक्टोडर्म, मिजल मिजोडर्म और इनर इंडोडर्म। सिलोमेट होते हैं, मिजोडर्म में कैविटी बनती है। इनकी बॉडी कैल्शियम के एक हार्ड सेल से ढकी होती है और उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होता है। और बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, डिवाइड नहीं होती, यहाँ पे केवल एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, एक मस्कुलर फूट होता है जमीन पे चलने के लिए और एक विसरल हम्प होता है, बॉडी मतलब कुबड़ की तरह निकला हुआ होता है इनका। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प,
द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शंस. द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फीडिंग कार्ड रेटुला. इनके शरीर पे एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है, ठीक है, और स्किन की, जो कि मेंटल बनाती है विसरल हम्प के ऊपर. और विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो जगह होता है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें पंख की तरह गिल्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन भी होता है. इंटीरियर हेड होता है सामने की तरफ, इंटीरियर, ठीक है, देखो सामने की तरफ इंटीरियर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर, तो इंटीरियर हेड होता है इनका. और सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो है इनके, ये क्या है, इनके सेंसरी टेंटिकल्स हैं. इनसे क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और शिकार पे वार करते हैं ताकि उसे पकड़ सके. माउथ में फाइल की तरह एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, उसको खाने पीने में मदद करता है. दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टार्ड, अपल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डिविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टच सेल एंड कीटोप्यूरा काइटोन. ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब अंडे से लार्वा बनता है, अलग अलग स्टेज देखने को मिलती है. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पाइला होता है उसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पिंकटाडा को पलाइस्टर कहते हैं, सेपिया को कटल फिश कहते हैं. उसको कटल फिश कहते हैं, वह रियल फिश नहीं है, उसको केवल कटल फिश कहा जाता है. लॉलीगो को स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, तो ऑक्टोपस डेविल फिश नहीं है, फिश ये रियल फिश नहीं है, केवल डेविल फिश कहते हैं. एप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं, समुद्री घोड़ा, ठीक है. डेंटेलियम को टच सील और समुद्री खरगोश कहते हैं एप्लाइसिया को, और कीटोप्लेरा को काइटॉन कहते हैं. अब आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा. दीज एनिमल्स हैव एन इंडो स्केल्टन ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी. फिगर में देख सकते हैं. ऑल आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food, and respiration. An excretory system is absent, sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is usually external, development is indirect, with free-swimming larva. Example hai Asteria, starfish, Echinus cercin, Entidon cilili, Cucumeria cucumber, Aphiura brittle star. तो इन एनिमल्स में इंडो स्केल्टन होता है कैल्सेरियस ऑसिकल्स का, मतलब इनके शरीर में जो स्केल्टन होता है वो अंदर देखने को मिलता है, मतलब यहीं से इंटरनल स्केल्टन की अच्छे से शुरुआत होती है. इसके पहले आपने इंडो स्केल्टन उसमें भी देखा है, पॉलीफेरा में भी देखा है, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरह का इंडो स्केल्टन बनता है, इसलिए इसका नाम होता है स्काइनोडर्मेटा. स्पाइनी बॉडी, कांटेदार जो उसका शरीर हो. सभी मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जो एडल्ट इकाइनोडर्म होते हैं उनमें रेडियली सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन उसके लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. और यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा. टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जर्मिनल लेयर होती है, आउटर इक्टोडर्म, मिजल मिजोडर्म और इनर इंडोडर्म. सिलोमेट होते हैं, मिजोडर्म में कैविटी बनती है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ जो होता है वह नीचे की तरफ होता है लोअर विंटर साइड पे, और एनस जो होता है अपर डॉर्सल साइड पे, मतलब इनके नीचे की तरफ मुंह होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है डॉर्सल साइड में क्या होता है एनस होता है. सबसे जो अलग इनका लक्षण है वो है कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब वाटर से क्या होता है फूड अंदर जाता है, फिर वाटर से ही ये क्या करती हैं गैसेस एक्सचेंज करती हैं. तो जब वाटर की मदद से डाइजेशन भी हो और रिस्पिरेशन भी हो, मतलब गैसेस एक्सचेंज हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. इसकी मदद से लोकोमोशन होता है, कैप्चर शिकार पकड़ते हैं, फूड और का ट्रांसपोर्ट होता है, रिस्पिरेशन भी होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, तो उसी से एक्सक्रीशन भी हो जाता है.
सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर क्या होता है एक्सटर्नल होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपको जैसा एडल्ट होगा वैसा ही इनका बच्चा नहीं होगा, देखने में अलग होगा, जब धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट बनेगा तब अपने पेरेंट जैसा दिखने में होगा। एस्टेरिस को स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस को सीअर्किन बोलते हैं, एंटीडॉन को सीलिली बोलते हैं, कुकुमेरिया को सी क्यूकम्बर बोलते हैं और अफ्यूरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस एनिमल किंगडम में आपको कैरेक्टर्स याद रखना बहुत जरूरी है, साथ में एग्जांपल याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता। आपको कैरेक्टर पूछ लेगा उसका खास कोई और या फिर एग्जांपल पूछ लेगा, अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अगर देखिए, हमने चार चैप्टर कम्प्लीट कर लिए, अब तक कम्प्लीट करने के कगार पे हैं, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। जैसे ये चार चैप्टर कम्प्लीट हो जाते हैं, अगर आप इसको अच्छे से एनसीईआरटी बस तैयार कर लेते हो और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मैं आपको कराऊंगा, आपको क्वेश्चन के भी वीडियोज मिलते रहेंगे समय समय पर, तो आप अगर अच्छे से सब कुछ कर लेते हो तो इस टॉपिक से ही 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 8 से लेकर 12 क्वेश्चन तक, कभी 8, कभी 10, कभी 12 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। तो अगर ये आपका तैयार है तो अकेले इस टॉपिक से आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, आप 40 नंबर नीट के एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ाई करिए, बस मेरी आप ईश्वर से आपके लिए इतनी ही प्रार्थना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहो, गुड बाय।